नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। लंबे इंतजार के बाद सीबीएसई बोर्ड का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आज घोषित कर दिया गया, जिसके बाद छात्रों में खुशी की लहर देखने को मिली। हर बार की तरह इस बार भी बेटियों का जलवा कायम रहा। देखिए रिपोर्ट। लाखों छात्रों का इंतजार खत्म, सीबीएसई के नतीजे घोषित। 12वीं में 94.54 छात्राएं और 91.25 छात्र हुए पास। यूपी के बुलंदशहर की तान्या सिंह बनी टॉपर। 10वीं के 94.40% छात्र हुए पास। सीबीएसई 10वीं के रिजल्ट में भी बेटियों का जलवा। शामली की दिया नामदेव 10वीं में टॉपर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने टर्न 2 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। बोर्ड ने शुक्रवार को आखिरकार पहले 12वीं का रिजल्ट जारी किया और कुछ देर बाद में 10वीं का भी रिजल्ट जारी कर दिया। सीबीएसई बोर्ड में 10वीं टर्न 2 में इस साल 2022 में कुल 94.40% छात्र पास हुए हैं। इस साल सीबीएसई कक्षा 10वीं के रिजल्ट में शामली जिले के स्कॉटन इंटरनेशनल स्कूल की 10वीं की छात्रा दिया नामदेव 500 में से 500 अंक लाकर नेशनल टॉपर बनी है। सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट की बात करें तो 94.54% छात्राएं और 91.25% छात्र पास हुए हैं। वहीं इस बार सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में कुल 92.71% छात्र छात्राओं ने पास किया है। वहीं बुलंदशहर के डीपीएस स्कूल की तान्या सिंह ने 12वीं की परीक्षा में इस बार टॉप किया है। डीपीएस में पढ़ी तान्या सिंह ने 500 में से 500 अंक हासिल किए हैं। ऐसे में देखा जाए तो उन्होंने परीक्षा में 100% अंक हासिल किए हैं। बता दें कि ऐसा पहली बार है जब सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम एक ही दिन घोषित किए हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने महज कुछ ही घंटों के अंतराल पर दोनों कक्षाओं के परीक्षा परिणाम जारी किए हैं, जिसके बाद छात्राओं के चेहरे पर खुशी साफ देखने को मिली। प्राइम टीवी के लिए आरती तिवारी की रिपोर्ट। तो हर बार की तरह इस बार भी बेटियों का जलवा कायम रहा, जहां बेटों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में तय, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।